आई गेस टू बूस्ट देयर ईगो. मोस्ट गर्ल्स आंसर इज लाइक फॉर बॉयज ईगो. या सब तो बस बहाना होता है. ऑब्वियसली लेट नाइट कॉल एंड यू नो कहां उनका डायरेक्शन जाने वाला है. तुम इसके साथ क्यों हो, क्यों हो, किस ले जा रही हो. जो सबसे पुरानी फोटोज होती लोग वहां तक जाके उसको लाइक कर. खुद याद नहीं होती कि मेरी फोटो है. हाय हाय हेलो हेलो. पहला क्वेश्चन ये है, जो लड़के होते हैं सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है सब में उनसे फ्रेंडशिप है, अच्छी बात हो रही है, बट फिर भी सारे सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं बट फिर भी उनको व्हाट्सअप नंबर चाहिए, तो रीज़न क्या हो सकता है इसका. ऑब्वियसली लेट नाइट कॉल्स सबसे कन्वीनियंट उसी पे होंगे एंड यू नो कहाँ उनका डायरेक्शन जाने वाला है. सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे टाइम स्पेंड करते हैं शायद इसीलिए. ओके भाई कथा की कॉल वगैरह कर सके. अगर तो बस बहाना होता है उनका व्हाट्सअप नंबर के लिए. पता नहीं व्हाट्सअप में क्या मिलता है लोगों को, शायद कुछ वहाँ अलग हो जानने के लिए. ओके आप शायद पर्सनली बात करने के लिए हो सकता है. ऐसा कुछ भी मांग रहे होंगे. मेरे साथ तो उल्टा होता है, जो बस व्हाट्सअप पे होते हैं वो इंस्टा आई डी मांगते हैं. आई थिंक वो कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हैं. और स्ट्रेंजली क्या होता है इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में वो उतनी ज़्यादा वीडियो कॉलिंग क्लियर नहीं हो पाती है. तो मे बी व्हाट्सएप पे वो लोग इसलिए चले जाते होंगे क्योंकि वीडियो कॉल करने देते हैं. क्योंकि जनरली आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे को भी कई बार ऐसा बॉयज़ का नंबर आया, उन्होंने हमेशा व्हाट्सएप नंबर मंगाया जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो कॉलिंग एंड आई स्टिल ब्लॉक्ड मैनी बॉयज़. बहुत सारे लड़के मैंने ब्लॉक कर दिए थे. बस मेरा यही कहना था कि इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक जस्ट तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट है, जस्ट हैव चैट्स. वाई यू हैव गो व्हाट्सअप कॉलिंग. और इतना ही नहीं ना, रात के 2-3 बजे भी कॉलिंग कर लेते हैं. हाँ. क्योंकि जनरली क्या होता है नेट्स ऑफ हो जाते हैं, राइट. वी गर्ल्स हैव हम लोग नेट ऑफ 11, 11:30, 12 बजे तक ऑफ कर देते हैं. एंड नंबर होने पर यह होता है कि अगर नेट ऑफ है तो कॉल कर लो. Right? हाँ. That's it. 2 दिन चैट करने के बाद ही व्हाट्सएप नंबर मांगना चालू कर देते हैं. उनका yeah. क्या बोलना है, उनके लिए चीप लगता है या बहुत ज़्यादा चीप. मुझे ऐसा लगता है कि यार उनके पास उसको काम धंधा नहीं है. दैट्स राइट. क्यों, बिकॉज नहीं होता ना तो रात यू नो रात बताने के लिए या फिर नाइट टू टाइम स्पेंड करने के लिए नंबर मांग लेते हैं. कुछ नहीं होगा तो रात के 2 बजे कॉल करें, 3 बजे कॉल करें, अननेसेसरी. ये सारी लड़कियों के साथ होता है आई थिंक ऑलमोस्ट. How would you know if a boy likes you? I personally feel they're gonna follow me around. I know it sounds really weird, but then you know they'll just follow me around, carry my stuff, which is so weird. They don't have to, but they do. Okay. And then they'll be like, "Oh, I'll buy you this. Oh, you're going there? I'll come there. I don't need you to, but they'll just do that." So those are like couple of things. Okay. I can pick up you from there and yeah, exactly. Stuff like this. Like I am self-sufficient. I can do that on my own. You don't have to come along. But उसकी feelings and all. कैसे पता चलेगा कि हाँ वो मुझे पसंद. How much he spend time with me? कितना बात कर रहा है? कैसा बात कर रहा है with that? Okay. सबसे ख़राब आदत लोगों की होती है जो सबसे पुरानी फोटोज़ होती है लोग वहाँ तक जाके उसको लाइक करते हैं. मतलब मेरे को खुद याद नहीं होती कि मेरी फ़ोटो है वहाँ. हाँ. तक लोग पहुँच जाते हैं उसको लाइक करने के लिए. देख इफ़ ही केयर्स यू मोस्ट देन योर एक्सपेक्टेशंस, अगर वो आपकी हर छोटी चीज़ छोटी बड़ी चीज़ को केयर कर रहा है. आई थिंक अगर कोई लड़का तो आपको लाइक करता है तो सबसे अच्छी बात है कि वो आपको टाइम देगा. इफ़ यू थिंक दैट कि अगर वो तुम्हें प्यार करता है, इट्स मीन दैट कि वो तुम्हें टाइम देगा. कैसा भी हो, रात के 2 बजे भी होगा ना तो वो बोलेगा अभी मैं फ्री हुआ हूँ तो अभी मैं तुम्हें टाइम दूंगा. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मेट्रो क्वीन और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी कर देना. What's your type in a guy? I love people who are actually goal driven. Okay. Like, don't text me all the time. I have stuff on my own. I would appreciate someone who has their own stuff as well. Okay. So I guess that's the biggest thing for me. Otherwise, rest all doesn't matter to me. My type quite silent क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ. Okay. और घूमने फिरने वाला और like explore करने वाला. Okay. Me too. Same. ओके तो आप ज़्यादा बात करते हो तो ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाला चाहिए. हाँ काइंड ऑफ. आई डोंट नो जैसे कुछ ऐसा साइलेंट. ऐसे लोग पसंद है मुझे कि जो जिनके लिए जिनके लाइफ में अगर मैं हूँ तो फिर मैं ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए. एक्चुअली मुझे थोड़े से रोमांटिक वाले पसंद है और थोड़े से पॉजिटिव वाले पसंद है, थोड़े से केयरिंग वाले पसंद है. और वो ऐसे इंसान पसंद जो ओपन माइंडेड हो. इट मींस दैट कि तुम कहीं भी जा रहे हो, किसी के साथ भी जा रहे हो, डोंट हैव एनी डाउट मींस कि तुम इसके साथ क्यों हो, क्यों हो, किस ले जा रही हो. ओके
गर्ल्स बी 14 बट दे एक्ट लाइक दे आर 20 और 22 एवर डिड दिस नो आई डिडंट डू दैट द मोस्ट आई वुड एक्चुअली बी अलाउड टू डू इज पुट ऑन लाइनर आई एम 22 आई स्टिल एक्ट लाइक आई एम 15 मेरी आईडी में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं पर ठीक है उनका अपना दौर है हमारा अपना दौर था हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं जब 14 में थे तो भी नहीं स्कूल जाते थे स्कूल से घर इतना ही पता था बस नो एक्चुअली बिकॉज उस टाइम मैं टोटली सोशल मीडिया से बहुत दूर थी मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन अभी दिया है एट द एज ऑफ 21 सो आई एम टोटली फायर अवे फ्रॉम दिस मेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है उस टाइम मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था तो मैं एकदम सीधी साधी अच्छी लड़की थी बट यही था मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हूँ सब्सक्राइब टू मेटल क्वीन डू गर्ल्स और डू यू रियली लाइक अ गाय शर्टलेस एंड डांसिंग ऑन रील्स और टिकटॉक नो नॉट एट ऑल आई हेट व्हेन यू नो यू हैव गाइस wasting their time on TikTok. Exactly. You see those styles, blonde highlights, just wavy hair, all gelled up. No, definitely no. not. I just want to see my man only. Okay. No. No. अगर ऐसा होता है तो इट्स मीन दैट वो बहुत चीप होती हैं. Why do girls fake orgasm? I guess to boost their ego. Exactly. The most girls answer is like for boys ego. Yeah, exactly. Okay. So ladko tum matlab itne bhi khas nahi hote ho, itne bhi acche nahi hote ho. I don't know. I never. Ab iske liye mujhe pehle khud karna padega to main bataungi fir. Okay. Have you ever regretted for something you did for getting attention of your crush? Ever did this? Never. No. बॉयफ्रेंड के अटेंशन के लिए कभी कभी कर लेते हैं तबीयत खराब का बहाना नहीं अटेंशन के लिए तो कुछ नहीं किया मैंने कभी भी तो रिग्रेट कभी नहीं है इस चीज़ का आई रिग्रेट इट बेसिकली एवरी डे टू बी सो स्टूपिड लाइक वेस्टिंग माई टाइम ऑन दैट गाय विल यू डेट और मैरी अ गाय हु इज शॉर्टर देन यू नहीं नो मैं खुद इतनी शॉर्ट हूँ और कितना शॉर्ट मिलेगा मेरे को फिर प्रॉबेबली नॉट Okay. I mean, yeah, personality does matter, but looks do matter. Even if it's like 80-20, but still, it does matter. Video dekhiye, like kariye, subscribe kariye, aur video ko forward kijiye. So, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपके मन में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके भी क्वेश्चंस बोल सकते हो तो नेक्स्ट वीडियो जब करूँगी मैं तब वो क्वेश्चंस मैं पब्लिक से पूछने वाली हूँ तो जल्दी से कमेंट करो या फिर डीएम करो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को श्योरली लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग